आज भी ऋषि मुनि धरती पर आते हैं, किसी किसी महासंत के रूप में, किसी योग्य व्यक्ति के रूप में, और समाज को सही मार्गदर्शन दे करके विदा हो जाते हैं। तो चार ऋण से आप ऋणी हैं। कितने ऋण हो गए आपके ऊपर मैया? पहला ऋण क्या बताया था हमने? चारों फटाफट रिवीजन कराओ, मैं भूल गया, आप बताओ पहला क्या था मैया? चार ऋण पहला क्या था? अमावस्या, मां, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, चौथा ऋषि ऋण। आप बताओ चारों, बेटा मेरी बहन आप, चार चार ऋण कौन कौन से हैं? बैठे बैठे मस्त। पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, किस किस को याद हो गए? हम तो याद करा रहे हैं ना आपको, भूल ना जाए। हम आपको कथा नहीं सुनाएंगे ज्यादा, जो कथा का रहस्य है, सार है, वो आपको सब, क्योंकि कथा सबको पता है, जो पता नहीं है, जो जानने योग्य है वो जानना। इन चारों ऋणों से आप मुक्त कभी नहीं हो सकते, परंतु इन चारों के ऋणी होकर छाती फुला के ना चला करो, सदा अपने आप को कर्जीला मानो और सदा ईश्वर का धन्यवाद दो, हे प्रभु हम आपके ऋणी हैं, हे नाथ हम आपके, हे प्रभु हम पर कृपा कीजिए, हम पर दया कीजिए, हमें अपने चरणों की भक्ति। इसलिए भगवान से प्रेम करो। आपकी माँ, आपका पिता आपको जो दे सकते हैं उनसे करोड़ों गुना ज्यादा ईश्वर ने आपको दिया है। हम सब ऋणी हैं, इसलिए कभी अपनी माँ से ना ऐसी बड़ी आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, तुमने हमारे लिए क्या किया। आजकल के बच्चे बिना विचारे बोल देते, आपने क्या किया हमारे लिए। बेटा बाप से बोल देता, तुमने क्या किया हमारे लिए। ये बोलना भी पाप है, अपराध है ना मेरी माँ मैया? ओ मेरी माँ, क्या बोलना पाप है कि तुमने हमारे लिए क्या किया। तो आप कभी ये नहीं बोलेंगे कि हम, आपने क्या किया हमारे लिए। आपने अपने माँ बाप से ऐसा बोला तो नहीं? आप में से किसी ने बोला ऐसा अपने माँ बाप से कि तुमने हमारे लिए क्या किया है? बोला किसी ने? यदि बोला हो तो कान पकड़ के उठक बैठक लगाकर और अपनी माँ के चरणों को धोकर चरणामृत लेना और बारंबार प्रणाम करना अपने माँ बाप को, गुरुजनों को, ऋषियों को, संतों को खूब प्रणाम करो।